Reaching different identities is perhaps अलग-अलग पहचानें जैसे मेरे खून में समाई हुई हैं। मैं एक टर्किश पिता और एक अमेरिकन माँ की संतान। मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ क्रिसमस और ईद एक ही जोर से मनाई जाती थी। मैं शहर में पली थी तो कृषि के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर मैंने नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपने मिशन पर अपनी जिंदगी लगा दी। उनके कुछ आखिरी शब्द थे, तरक्की किसान तक पहुंचे। अब जरा ये सोचिए, किसान के बारे में हम जो सोचते हैं और उनकी जिंदगी जिस तरह की होनी चाहिए, बस यही बात डेवलपमेंट एजेंडा को शक्ल दे रही है। और अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, क्या हमें ये बात सभी किसानों तक पहुंचा रहे हैं? जेंडर ये तय करता है कि हर किसान को पहुंच का अधिकार हो, जमीन, श्रम, इनपुट्स, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, मशीनरी और भी बहुत कुछ। महिलाओं और लड़कियों को समाज में बाधाएं झेलनी पड़ती हैं, खेतों के संभालने के सिलसिले में, फिर भी उन्हें ऐसी किस्में उगानी पड़ती हैं जिनके विकास पर उनका कोई काबू नहीं होता। घर, गांव, बाजार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है। हर फैसला, हर एक्शन जो लोगों की जिंदगी में होता है वो एक सामाजिक संदर्भ में होता है। जेंडर इस सब का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। मैंने ऐसी ही बातें बार बार सुनी जिनसे मेरे अपने बदलाव की शुरुआत हुई और सवाल उठा, हम जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को कैसे अलग थलग कर सकते हैं किसानों के जीवन से। हम बेशक वैरायटीज पैदा करते रहे जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता, या गरीबी दूर करने के लक्ष्यों को मिस करते रहे अगर जेनेटिक फायदे इक्विटी फायदों में नहीं बदलते महिलाओं और लड़कियों के लिए। जेंडर इन्फ्लुएंसेस का किसानों के जीवन पर असर पड़ता है, पर यह असर हम पर भी पड़ता है। अगर हमारे अपने संस्थानों और प्रोग्राम्स में हम महिलाओं के लिए बाधाएं खड़ी करते रहते हैं, तो हम छोटे महिला किसानों की बाधाओं को कैसा दूर करेंगे? डॉक्टर बोरलॉग का संदेश प्रगति किसानों तक पहुंचाओ हमारी आंखें खोलने वाला था, पर यह बात साफ होती जा रही है कि उनकी परिकल्पना को सच करने के लिए हमें अनसुनी आवाजों को सुनना होगा। महिलाओं की भी आवाज होती है, उसे सुनने के लिए हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट और सोशल साइंसेस के बीच की खाई भरनी होगी। विलेज बेंच और लैब बेंच का फासला घटाना होगा। हमें अपने अंदर भी झांकना होगा, अपनी सोच पर सवाल उठाने होंगे और जेंडर से जुड़े हमारी अंदरूनी नॉर्म्स को पहचानना होगा जिसका असर हमारे काम पर और उन पॉपुलेशंस को हम सर्व करते हैं उन पर पड़ता है। तो देखते हैं आज का सेमिनार कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज। Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders. Catalyst of Change Women Leaders in Science Seminar Series में आपका स्वागत है। ये इंटरप्रिटेशन स्पेनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। अपनी भाषा को चुनने के लिए आप ट्रांसलेशन बटन को हिट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सेमिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आएगा जिससे आपको स्लाइडो तक पहुंच मिलेगी, जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। आज हम एक बहुत ही खास हस्ती से मिलने वाले हैं जो साइंटिस्ट भी हैं और जेंडर रिसर्चर्स भी, डॉक्टर हाले तूफानी। आपके प्रेजेंटेशन के बाद डॉक्टर हाले तूफानी नाइला कुरैशी से बातचीत करेंगी जो सिमिट में मॉलिक्यूलर जेनेटिस्ट हैं। मैं अब हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ब्रैम से अनुरोध करूंगी कि वो आज के हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर का स्वागत करें। शुक्रिया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम एक बार फिर इस कैटलिस्ट चेंज विमेन लीडर सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हम सिमिट में इस फायर चैट स्टाइल शैली में प्रोग्राम पेश करते हैं क्योंकि हमें और ज्यादा साइंटिस्ट्स चाहिए जो महिलाएं हों, क्योंकि आप जो देखेंगे आप वही बनेंगे। हमें महिलाओं को और ज्यादा मौके उपलब्ध कराने होंगे, हमें उनकी लाइफ जर्नीज के बारे में जानना होगा। हम इस बात को लेकर बहुत रोमांचित हैं कि कैटलिस्ट ऑफ चेंज इस सीरीज में बहुत ही खास हस्तियों से हमारी मुलाकात हुई है। As she shows how she leads by example, she listens and therefore
आप लोगों की बात सुनती हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी रणनीति तय करती हैं। आज सिमिट से ही जुड़ी एक महिला है जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज में इंटरव्यू लेंगी। आज की हमारी गेस्ट है हाले तूफानी। आप 18वीं स्पीकर हैं, आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट थ्योरी को बढ़ावा देती हैं। आप सोशल इंक्लूजन और जेंडर इक्वालिटी की बड़ी हिमायती हैं। आप हाल के इकोसिस्टम के पावर और नॉर्म्स को चैलेंज करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव रिसर्च इक्विप्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोजर या ग्रेट प्रोजेक्ट का। इसके अलावा मोहोगो बोरा की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। आपने पीएचडी भी किया हुआ है। आप सब सहारन अफ्रीका में कई भूमिकाओं में काम कर चुकी हैं। आपको 2019 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड भी मिला है जिसे रॉकफेलर फाउंडेशन ने शुरू किया था। मुझे यकीन है कि आप सब भी मेरी ही तरह थ्रिल्ड होंगे उनके जीवन के अनुभवों के बारे में जानने के लिए। तो हम बिना और समय लगाए आज के हमारे खास स्पीकर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल घर लौटने जैसा ही है। ब्रैम, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया। मुझे ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगती है और सिमिट इसे होस्ट कर रही है, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसके बारे में हर दिन सोचती हूँ, तो मुझे 20 मिनट के प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया है कि मैं इसमें अपने जीवन की जर्नी के बारे में बताऊं। मैं जोर इस बात पर देना चाहूंगी कि हम कैटलिस्ट ऑफ चेंज को कैसे सुयोग्य बनाएं ताकि और ज्यादा महिलाएं इस सिस्टम में आ सकें। तो हम जो काम करते हैं पहले उसके बारे में बात करेंगे। ब्रैम ने आप मेरा काफी लंबा परिचय दिया है, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं टर्की में पली बढ़ी थी, मुझे एक फेमिनिस्ट माना जाता है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मेरा अनुभव मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैं कॉर्नेल की एक फैकल्टी मेंबर हूँ। मैंने कोलोराडो स्टेट में अंडरग्रेड के तौर पर शुरुआत की थी। मैंने एक बायोकेमिस्ट्री अंडरग्रेजुएट डिग्री ली। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो मुझे मेरा फोकस जानवरों पर रहा, लेकिन मुझे पता चला कि मैं जानवरों को डाइसेक्ट नहीं कर सकती। तो प्लांट साइंस की इस सफर में ये मेरी शुरुआत थी। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के दौरान लैब में काम किया और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर अपने घर टर्की जाना चाहती थी। मैंने फिर इस्तांबुल में मास्टर्स किया, यहीं से मेरी एग्रीकल्चर रिसर्च की शुरुआत हुई। हमने गेहूं खासकर डोरम वीट के पर काम किया। फिर मेरी दिलचस्पी
प्लांट साइंस में हुई। मैं जॉन इनेस सेंटर में गई and I really, you know, spent 4 or 5 years there doing मैंने वहां 4 या 5 साल बिताए मुझे इस काम में काफी मजा आया पर मेरा मन लैब में नहीं लगता है मैं लैब से बाहर निकलकर अपने काम के असर को देखना चाहती हूं कि कैसे इससे बदलाव आता है तब मेरी मुलाकात सिमिट से हुई टर्की में एक वीट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हो रहा था उसमें फिर अगले 2 साल के दौरान मैंने अपने पीएचडी के दौरान यूएई का सफर किया साथ ही मैंने काफी फील्ड सिस्टम्स में भी समय बिताया जहां से मेरे करियर में बदलाव आया फिर मैं नेचुरल रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट गई जो ब्रिटेन में है वहां मैंने स्वीट पोटैटो और कसावा पर काम किया जिसने मेरी दिलचस्पी बदल दी फिर मेरे 10 साल ग्लोबल डेवलपमेंट में बीते looking at being out in the field and doing more practitioner oriented work on international मैं फील्ड्स में जाती थी और वहां पर प्रैक्टिकल काम करती थी ये सब क्लीन और लीनियर सा महसूस होगा मेरे सफर की शुरुआत अंडरग्रेजुएट से लेकर फैकल्टी मेंबर तक की हुई लेकिन मेरी करियर ट्रैजेक्टरी बहुत ही उथल-पुथल भरी है making some wrong decisions just to find the right decision around the corner so you know it wasn't like I knew I was going to be I never intended to be a faculty member but really bouncing मैं faculty member नहीं बनना चाहती थी लेकिन मैंने applied research में से जुड़ी फिर basic research के बारे में सोचा फिर मुझे लगा कि मुझे field में होना चाहिए कभी लगा कि नहीं ये decision ठीक नहीं है यानी ये सफर बहुत आसान नहीं रहा यानी हर एक का रास्ता अपना अलग अलग होता है लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है यहाँ आप सामने एक कॉर्नेल लोगो देख रहे हैं यहाँ से मेरे करियर में बदलाव आया मैं बेसिक मोलेकुलर बायोलॉजी से आगे बढ़ते हुए सोशल साइंसेस की तरफ बढ़ी जब मैं टॉक्स करती हूँ तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोई मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट कैसे जेंडर इक्वेलिटी ला सकता है खेती में मुझसे साल दर साल ये सवाल पूछा जाता रहा है कि ये बदलाव वाला पल आपको कैसा लगता है मुझे याद आता है कि मैं सिमिट में जब थी तो फील्ड्स में जाया करती थी हम जब भी फील्ड में जाते थे और महिला किसानों से बात करते थे तो मुझे उनकी जीवन की यात्राओं में ज्यादा दिलचस्पी रहती थी कि उनका अनुभव क्या है उनकी जरूरतें क्या हैं तो मेरी दिलचस्पी बीजों को प्रोड्यूस करने में रहती थी मुझे लगा कि ये काम बहुत ज्यादा दिलचस्प है तो जब आपके काम और आपके निजी जुनून के बीच एक ऐसा जंक्शन आया जब ये आपस में टकराने लगे फिलहाल मैं इक्वल लैब में हूँ हमारी कोशिश रहती है कि जेंडर इक्वालिटी में सोशल इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी पर काम किया जाए approach the process
process of research from a more equitable and feminist lens. We also do a lot of interdisciplinary methodology and collaborative research. So हम फेमिनिस्ट रिसर्च के बारे में काफी काम करते हैं कि इसके क्या तरीके हो सकते हैं, इस बारे में हम पूरा दिन बात करते रह सकते हैं। हम जो करते हैं ये उसका एक स्नैपशॉट है। ये रिसर्च सिस्टम का एक एनालिसिस है। खेती के क्षेत्र में महिलाओं का क्या एक्सपीरियंस है, लीडरशिप की क्या भूमिका होती है, तो हम इन टॉप एंड्स पर काफी रिसर्च करते हैं। Being someone who thinks about research a lot, to touch back, because if we want to enable catalysts of change, I think we need to be very realistic. अगर हम catalysts को change को enable करना चाहते हैं, तो हमें लोगों के अनुभव पर काफी ध्यान देना होगा। हो सकता है कि हमें ये बातें पता हो, पर इसके बारे में हमें और बातें करने की जरूरत है। आप शायद इस graph से परिचित होंगे। इसमें एक leaky pipeline नजर आ रहा है। ये दिखाता है कि महिलाओं के करियर महिलाएं कैसे साइंस बेस्ड करियर्स को छोड़कर दूसरे करियर्स में चली जाती हैं। इस बारे में बहुत से पेपर्स लिखे गए हैं अमेरिका और यूएस में, अमेरिका और यूरोप में। साइंस के क्षेत्र में महिलाओं के साथ क्या होता है, ये उसकी एक तस्वीर दिखाता है। जब हम साइंस के बारे में महिलाओं के बारे में सोचते हैं, तो किसी साइंटिस्ट का एक आम व्यक्ति से ज्यादा अलग वजूद नहीं होता है। लेकिन साइंटिस्ट काफी अलग हो सकते हैं। साइंटिस्ट एक कई सोशल आइडेंटिटीज में से एक है। और साइंटिस्ट भी बिल्कुल अलग अलग तरह के हो सकते हैं और उनके जीवन की यात्राएं भी बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम एक साथ ही कई आइडेंटिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम पैदाइश से साइंटिस्ट नहीं होते हैं। हमारी परवरिश सोशल स्ट्रक्चर्स में हुई है, अलग अलग जगहों पर हुई है, अलग अलग देशों में हुई है। इसी हिसाब से दुनिया को देखने की हमारा नजरिया और हमें देखने का दुनिया का नजरिया बदलता है, और इसके साथ कई तरह की दिक्कतें आती हैं। आपने इम्प्लिसिट बायस के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक अनकॉन्शियस लेवल पर मौजूद प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ये पहले से पूर्वाग्रह होते हैं। हम लोगों के बारे में अपने अंदाजे बना लेते हैं, अपने विचार बना लेते हैं, और ये साइंस के लिए ठीक नहीं होता है, और इसके कई मायने निकल सकते हैं। इसे कहते हैं विस्लिंग विवाल्डी, और इस तरह से स्टीरियोटाइप्स हमें हमारे काम के बारे में प्रभावित करते हैं। And what they saw that is consistently over multiple times of doing this, the group that was told women are bad at math, these are women taking the math test, actually under. एक ग्रुप को बताया गया कि महिलाएं मैथ में बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं, जबकि दूसरे को कुछ नहीं बताया गया। और जब इस बारे में आगे रिसर्च की गई, तो पता चला कि इस तरह के पूर्वाग्रह बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरह के पूर्वाग्रह जो हैं महिलाओं के बारे में एक ऐसी राय बना देते हैं जो ठीक नहीं होती, पर ये हमारे दिमाग में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए पूर्वाग्रह का काम करती हैं।
अलग अलग महिलाओं के बारे में अलग अलग ढंग से सोचा जाता है। हम सब अलग अलग देशों से, रेसिस से, देशों से आती हैं। किम्बरली क्रेनशॉ ने इंटरसेक्शन सेक्शनैलिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूएस लीगल सिस्टम के सिस्टम की नजरों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और अश्वेत महिलाओं के साथ तो ये भेदभाव कुछ ज्यादा ही है। तो यही बात साइंस में भी काफी नजर आती है। यहाँ अमेरिका की कुछ संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप साइंस से जुड़ी एक एशियन महिला हैं, जो कि दूसरा कॉलम है, तो आपको एक अच्छी आपसे अच्छी माँ होने की उम्मीद की जाती है। और अगर आप ब्लैक, लैटिनो और वाइट हैं, तो ये विचार और भी अलग अलग होगा। आपको एज महिला के तौर पर अपने भूमिका निभाने की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। अफसोस की बात है कि लैटिना और आधी लैटिना और ब्लैक साइंटिस्ट्स को अमेरिका में और भी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। यहाँ नीचे हम मैरिटल स्टेटस दिखा रहे हैं। इन चीजों का अलग अलग असर होता है। अगर आप मैरिड फादर हैं, तो आपका करियर कुछ और तरह का होगा, जबकि सिंगल मदर का एकदम अलग ही रास्ता होगा। तो ये लीकी पाइपलाइन अलग अलग ढंग से महसूस की जाती है। मैं काफी ब्रॉड फिनोमिनन के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इस बारे में काफी रिसर्च हुई है। साइंस वगैरह ने इस बारे में काफी रिसर्च की है और पिछले कई दशकों में पेपर्स छपे हैं। महिलाओं को सुयोग्य बनाने के लिए कई इंटरवेंशन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हायरिंग। ये करियर की बहुत शुरुआती स्टेज होती है। यूएस फैकल्टी स्टूडेंट्स को हायर करती है और इसमें महिला का भी नाम होता है और पुरुष का भी नाम होता है। ऐसे में फैकल्टीज कम उम्र महिलाओं को कम सुयोग्य मानती हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि ग्रांट्स मिलने के मामले में अमेरिका में काफी भेदभाव भरता जाता है। अमेरिका में अगर आप अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं, तो आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये उनके लिए एक सजा जैसी हो जाती है। पिछले तीन चार साल में फील्ड वर्क सेफ्टी के बारे में काफी बात हो रही है। आप फील्ड में जाकर कैसे डेटा इकट्ठा करेंगे? कई युवा महिलाओं को ये महसूस होता होगा कि टीम वर्क सेफ्टी कितनी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप फील्ड में अकेली ब्लैक महिला हो जो रिसर्च कर रही हूँ। इस बारे में रिसर्च पेपर भी लिखा गया है, रिपोर्ट भी आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इनसे महिलाओं के वर्कफोर्स में होने पर काफी असर पड़ता है। ये भी एक ग्रेट पीस है। इससे पता चलता है कि सिस्टम कैसे बायस करता है। प्लांट साइंस पर 3 लाख पेपर्स छपे हैं। बाई तरफ आप NNM देख रहे हैं, जो मेल हैं, और NNF फीमेल्स हैं।
लेकिन आप ये देखेंगे कि महिलाएं बेशक महिलाओं की रिसर्च कम छप रही है, लेकिन उनका प्रभाव बराबर सा ही है। तो सिस्टम में काफी असमानताएं हैं। यहाँ भी काफी फिगर्स हैं। मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि इस बारे में कितनी बढ़िया रिसर्च की गई है। लोग डाइवर्सिटी इनोवेशन पैराडॉक्स के बारे में काफी बात करते हैं। Concepts that have never been connected before are publishing really impactful papers. अब ऐसे प्रभावशाली पेपर्स छप रहे हैं जो पहले नहीं छपा करते थे। ये बात बहुत दिलचस्प है। What's interesting thing is even though women and people who are non-white are more innovative in their research, they're significantly जो लोग नॉन वाइट हैं, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, वो अपनी रिसर्च में ज्यादा इनोवेटिव हैं। लेकिन ऐसे लोगों को महत्व कम दिया जाता है। तो अगर आप साइंस से जुड़ी एक महिला हैं और आप काफी कुछ कर रही हैं, तो ये कम और फिर भी आपको तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये आपकी कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। ये वाकई एक दिलचस्प पीस है, ये कम्युनिकेशन के बारे में है। इसमें आप कई सारे शब्द देखेंगे, इसमें बहुत से नेगेटिव शब्द हैं, इमोशनल, बॉसी, ओरिएंटेड वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खेती के क्षेत्र में इतनी कम विमेन लीडर्स क्यों हैं? इसके लिए कई बाधाएं जिम्मेदार हैं। आपका अनुभव इस बात को बहुत महत्वपूर्ण शक्ल देता है कि आपको समाज कैसे देखता है। अगर आपको लगता है कि आप वो ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है, तो इससे आप पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अलग थलग रखने की वजह से आप पूरी तरह से खुलकर और अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये महिलाओं की परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम से ज्यादा सिस्टम की प्रॉब्लम है जो उन्हें अलग थलग रखता है। तो मैं अंत में अब अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूंगी। जब मैं अपने प्रोफेशनल पाथ पर आगे बढ़ रही थी, तो जो चीजें मैंने याद रखी वो मैं बताती हूँ। कई बार मैं ये याद रखने की कोशिश करती हूँ कि मुश्किल मेरे साथ या मेरी ईगो के साथ नहीं है, खास तौर पर जब दौर वक्त मुश्किल होता है। बहुत बार लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको जो नहीं मालूम, उसके बारे में आप कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम, क्या आप मुझे इस बारे में और बता सकते हैं, क्योंकि इससे आपको और ज्यादा सीखने में मदद मिलती है। रिसर्च से बारंबार पता चला है कि कैसे मेंटर्स, चैंपियंस और स्पॉन्सर्स कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। मेरा करियर का रास्ता बहुत ही उथल पुथल से भरा रहा है। मैंने बीते वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। It's okay. You don't need to wear kind of labels and stick to that.
And because I have two kids, I have a lot of guilt around work-life balance and all of that, मेरे but दो बच्चे हैं तो मुझे काम और अपने घर परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. Myself as a leader now, I really embrace a lot of these values of being a feminist leader and what that means. जहां तक फेमिनिस्ट लीडरशिप का सवाल है तो मैं इन बहुत से गुणों को अपनाने की कोशिश करती हूं. मैं ये जज करती हूं कि मैं ये सोचती हूं कि मैंने कितने फेमिनिस्ट को आगे बढ़ाने में मदद की है. मैं पावर सिस्टम्स को डिसमेंटल करके उनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचती हूं. मुझे लगता है कि महिलाओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो भेदभाव है सिस्टम के अंदर, जिसका महिलाओं को सामना करना पड़ता है, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता. तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पर नजर डालनी होगी, सोचना होगा और ये उम्मीद करनी होगी कि महिलाएं बदले नहीं बल्कि अपने काम पर फोकस करें. जब कभी मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती हूं तो मैं सोचती हूं कि गुस्से से बात नहीं बनेगी बल्कि उस गुस्से को मैं अगर अपने काम को बेहतर बनाने में लगाऊं तो उससे फायदा होगा. हर जेंडर के लोगों को, हर उम्र के लोगों को अपने क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए. इससे हम भविष्य के बहुत अच्छे वैज्ञानिक संगठन विकसित कर पाएंगे. अब मैं सवालों के लिए तैयार हूँ. हेलो हाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए. हम कुछ ऑडियंस के भी सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं नायला कुरैशी हूँ. मैं ग्लोबल वीट प्रोग्राम में काम करती हूँ. मुझे यकीन है कि लोग आपके अनुभवों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे. आप न सिर्फ एक साइंटिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि जो और दूसरे क्षेत्र हैं उनमें आपने जो काम किया उनके बारे में भी, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और सोशल इंक्लूजन, आप जो काम कर रही हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया. मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. आपने हालांकि उन्हें पहले ही छू लिया है, लेकिन हम एक एक करके और पूछते जाएंगे ताकि आप हम डिटेल में जान सकें. मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि साइंटिफिक डिसिप्लिन में आपने करियर के दौरान कई साइंटिफिक डिसिप्लिन में दिलचस्पी थी, ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जो आपके करियर में आए? ये एक अच्छा सवाल है. महिला किसानों के बारे में देखकर मेरी ये दिलचस्पी जागी. मुझे साइंटिस्ट के साथ काम करना पसंद है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी भूमिका किसानों को फायदा सीधे तौर पर नहीं पहुंचा पा रही है. मेरा जुनून और मेरा जुनून इतना ज्यादा था कि मैं उसे भुला नहीं पाई, और मैं ये करना चाहती भी थी. मैं नौकरियां तो करती रही, लेकिन मैं आगे कुछ और ही करना चाहती थी. मैंने उन लोगों से प्रेरणा ली जो लोग पहले ये काम कर चुके थे. ऐसे क्रॉसओवर रिसर्चर्स से मुझे प्रेरणा मिली. चुमा नुजुकी एक ऐसी महिला है जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली. जब वो जेंडर रिसर्च से जुड़ी एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, इससे मुझे लगा कि मैं अभी वहां तक पहुंच सकती हूं. और लेकिन अगर आप पहली मिसाल बनती हैं तो भी ठीक है.
मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा मिल पाना बहुत जरूरी होता है, और आपने खुद भी अपनी एक मिसाल पेश की है। मेरा अगला सवाल है, हम ये कहते रहते हैं कि साइंस से जुड़ी महिलाएं समस्याएं झेलती हैं, लेकिन आपकी राय में आपको क्या लगता है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसीलिए मैं उन बड़े रिसर्च पीसेस को दोबारा किधर दोबारा लौटना चाहती थी। मुझे लगता है कि दिक्कत एक्शन ना होना है। बहुत सारे गाइड्स हैं, बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हैं, पर मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूशंस उन बड़े बदलावों को लाने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। रिसर्च बताती है कि अगर आप महिलाओं को इनवाइट नहीं करेंगे तो वो ड्रॉप कर जाएंगी, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस की, संगठनों की है। ज्यादातर मुझे ऐसे बड़े बदलाव होते दिखाई नहीं देते हैं। रिसर्च में भी ज्यादातर पुरुषों के ही पेपर्स नजर आते हैं। मैं इस बारे में कोई खास एग्जांपल नहीं आपके सामने देना चाहती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो संगठनों को ये बड़े बदलाव करने होंगे, हिम्मत जुटानी होगी। जी, सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल ये है कि हम अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि जब हम साइंस से जुड़ी महिलाओं की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि ये पुरुषों की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप पुरुषों और महिलाओं, पुरुषों दोनों को कैसे साथ लेकर चलना चाहेंगी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर आप खेती में जेंडर के बारे में देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि समय के साथ साथ पता चलता है कि सिर्फ महिलाओं पर फोकस करना 40-50 साल पहले तक होता था, लेकिन उससे बात बनी नहीं, इससे उनकी स्थिति और खराब हो गई। अगर सोशल नॉर्म्स को बदलने की बात हो, कम्युनिटी को बदलने की कोशिश की जाए, तो जिससे भविष्य की महिलाओं पीढ़ी को फायदा हो सके। क्या हम रिसर्च में भी ऐसा कर रहे हैं? मैं कह नहीं सकती। इंक्लूसिविटी की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। You know, we can train women to be louder, and maybe some women are louder than others, but it's creating. अगर किसी मीटिंग में ऊंची आवाज छा जाती है, तो आप महिलाओं को भी और ऊंची आवाज में बोलने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। How do we play that out differently? So, yes, for training for everyone, but yes, also to re-examine. तो सभी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन साथ ही कि अच्छी लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में भी दोबारा सोचने की जरूरत है। ये बात आप बिल्कुल सच है। लीडरशिप की परिभाषा हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होती है। जब आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा लीडर नहीं है, तो सच यह है कि हो सकता है कि वो बहुत ही बढ़िया लीडर हो, लेकिन कई बार पूर्वाग्रह भी
नेगेटिव असर डालते हैं। मेरा अगला सवाल है, लोग अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते हैं, तो आप करियर, पर्सनल लाइफ और पैशन के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई कोई बैलेंस जैसी कोई चीज है आगे बढ़ने के लिए? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। मैं इस सवाल को हल नहीं कर पाई हूँ, अब मैं अभी से जूझती रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं गिल्टी हूँ, तो मैं इसको भूलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव एहसास है। हो सकता है कि मैं बच्चों के बारे में सोच रही हूँ कि मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रही, या मैं अपने काम के बारे में भी सोच सकती हूँ कि मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि मुझे सफर को लेकर बहुत गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसमें मेरा काफी समय जाता है। तो बच्चे जितने बड़े होते जाएंगे, तो वो कहेंगे कि हमारी माँ बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आप बच्चों के साथ रह पाएं, पर ये भी महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बताएं कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं लैब में आपके काम के घंटे तय नहीं होते हैं, आपको जो काम करना है वो करना ही होता है। मेरा मानना यह है कि आपको अपना काम करना ही होता है, किसी भी समय और कहीं भी। और आखिर में कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो आप दूसरों का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। अगर मैं बहुत थकी हुई हूँ या ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये बात कह देती हूँ कि मैं कल छुट्टी लेना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को के साथ रहना चाहती हूँ। और दिन कोई भी हो सकता है, रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अपने बारे में केयर करते हैं, वो दूसरों के बारे में भी केयर कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप गिल्टी फील करेंगे अपने अंदर, तो ये ठीक नहीं होता है, चाहे पुरुष हो या महिला। तो जीवन में इस तरह का लचीलापन होना चाहिए। और आपको ना कहने का भी हौसला होना चाहिए। आखिरी स्लाइड में आपने बात की थी इम्पोस्टर्स की। मैं इस बारे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा था कि आप इस मामले में कैसे नेविगेट करती हैं? ऐसे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि आप इससे कैसे मैनेज करती हैं? इस बारे में भी काफी रिसर्च आई है। अमेरिका में कलर के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव नजर आता है। और ये भेदभाव हमें बराबर सुनने को मिलता रहता है कि हम यहाँ के नहीं हैं। लेकिन पिछले 4-5 साल में मैंने ये जाना है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, तो पता चलता है कि वो बहुत कमाल के लोग हैं।
और अगर आप उनसे ये कहें कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, या हर आदमी के साथ ऐसा होता है, असली समस्या ये है कि अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के बारे में खुद से सवाल नहीं करेंगे तो वो बहुत नुकसान कर सकता है। तो अपने करियर के शुरुआती दौर में मेरे लिए ये बैलेंसिंग करना काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आप को कम करके आंकते हैं, लेकिन अब मुझ में ये ताकत आ चुकी है कि जो मैं कह देती हूँ कि मुझे ये चीज मालूम नहीं है, आप मुझे इस बारे में बताइए। पता नहीं सब लोग ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, being a walking talking god of science deep down they have insecurities they have doubt they have things they don't know chahe kisi ko kitna bhi gyan kyon na ho aur chahe wo kitna bhi ye darshaye ki use sab kuch malum hai lekin ye sab dikhawa hai aur bahut se log ye dikhawa karte hain so don't let it shut you down right you have value you aise logon se aap haar mat maniye aapke paas mein gyan hai आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर इम्पोस्टर सिंड्रोम है बहुत मुश्किल चीज। ये सिंड्रोम जाने वाला तो नहीं है, लेकिन आप इससे जूझने का रास्ता अपना रास्ता बेहतर बना सकते हैं। जी, इसके लिए आपको कोशिश करनी होती है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप सभी फीमेल कोलीग्स को क्या सलाह देना चाहेंगी, या बाद में जो लोग साइंस से जुड़ी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए। मैंने जो सबसे ज्यादा हीलिंग चीज पाई है वो है सपोर्ट। ये बात बड़ी सरल लग सकती है, I couldn't believe to me and I immediately texted my support group of friends people who understood मैंने इसी हफ्ते कुछ सुना था और मैंने फौरन अपने साथियों को ये कुछ मैसेज भेजा था कि आपको यकीन नहीं होगा कि इस शख्स ने मेरे साथ मुझसे क्या कहा। The healing and the kind of getting away from those bad feelings that you experience, I go back to my support structure. So finding your support structure. तो इस तरह की चीजों का असर खुद पर ना होने देने के लिए मैं अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर की मदद लेती हूँ। अगर आपके पास में सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। आपको एक दूसरे के साथ ईमानदार होना होगा, इससे आपको मदद मिलेगी, सभी को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाले, आपने बहुत अच्छी सलाह दी हम सभी को। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इजाबेल को बुला रही हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाइला, आपने बहुत ही शानदार बातचीत की। अब हम क्वेश्चंस के लिए फ्लोर खोलना चाहेंगे। प्लीज अपने हाथ ऊपर करिए या कैमरा ऑन करिए अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो स्लाइडो के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। हमें क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में एक सवाल मिला है। इसमें कहा है कि ये बहुत अच्छी टॉक थी। पेप्सिको की फॉर्मर सीईओ इंद्रा नुई ने कहा है कि आपको लगता है कि इसका विपरीत सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरी जिंदगी में जो मेंटर्स आए जिनके साथ मेरे अनुभव बहुत अच्छे रहे, वो दोनों ही जेंडर के रहे हैं। कभी कभी मैंने जेंडर मेंटर्स चुने हैं और कभी कभी
लोगों की दिलचस्पी आपके करियर में होती है और वो आपको चुनते हैं, चाहे वो किसी वजह से आपको चुन रहे हों, आप उनको आप में कोई प्रतिभा नजर आती है। मैंने विमेन वेंटर्स के मामले में देखा है कि वो आप में अपनी छवि देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेंटरिंग प्रोग्राम्स बढ़िया हैं, पर ये मैच मेकिंग जैसा है। ऐसा नहीं है कि आप दो लोगों को मिला दें और बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद करें। तो मैं मेंटरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मेंटरिंग अलग अलग किस्म की होती है। बतौर स्टूडेंट आप ये ना सोचिए कि सिर्फ एक मेंटर से काम चलेगा, ग्रुप मेंटरिंग होती है। आपको तीन या चार और भी मेंटर्स की जरूरत होती है। किसी व्यक्ति को लाइफ एक्सपीरियंसेस के मामले में ज्यादा अनुभव हो सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स के हर पहलू पर ध्यान देती हूँ और हर मेंटर आपको कुछ ना कुछ नया देगा, कुछ ना कुछ अलग देगा, और आखिर में आपको अपने जीवन के लिए जरूरी फैसले खुद लेने होते हैं। तो आप एक मेंटर पर भरोसा ना करें, बल्कि कई मेंटर्स की मदद लें। आपके जवाब के लिए शुक्रिया। अब स्लाइडों में और कई सवाल आए हैं। हम कैसे सिस्टमैटिक चेंजेस कर सकते हैं इस फील्ड में, विमेन साइंटिस्ट के फील्ड के फील्ड से जुड़े हुए? मैं अपने एकेडमिक हिस्से से शुरुआत करूंगी। जब तक हम बदलाव हमें बदलावों के बारे में ज्यादा सोचना होगा, हमें महिलाओं के अनुभवों के बारे में देखना होगा, जानना होगा कि उनका फील्ड में से जुड़ा अनुभव कैसा है। इसके लिए फील्ड ट्रायल्स में कम्युनिटीज में जाना होता है। हमें अभी इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। दूसरा पहलू यह है, ये मुद्दा है सुरक्षा का। अगर कोई यंग वुमन स्टूडेंट है जो अकेली फील्ड में रिसर्च के लिए जाती है और जो पुरुषों के समूह में अकेली महिला है, वो ठीक नहीं है। तो कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। मान लीजिए कुछ नेगेटिव नहीं भी होता है, लेकिन उसका ध्यान उसे डर लगता रहेगा, तो उसका ध्यान जो है अपने काम पर नहीं रहेगा। एग्री रिसर्च में किसी महिला के लिए खेतों में जाना एक सबसे बड़ी अवरोध है। मैंने इस बारे में कई लोगों के अनुभव सुने हैं। कहा जाता है कि वो महिला ठीक काम नहीं कर पा रही क्योंकि उसका पति उसे जाने नहीं देता है। कुछ जगह कल्चर भी आड़े आती है। इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, पर ये एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में हमने चर्चा की। शुक्रिया। पावर रिलेशंस के बारे में आपका क्या कहना है? I love these questions. Thank you. I wish I could see these people who are the. मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। I think power, power is a word that's being used more recently in our field. मुझे लगता है कि हमारे फील्ड में हाल ही में पावर ज्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं और मुझे इस बात की खुशी है। A lot of okay, let me take a step back. A lot of when we look at critically at systems, power imbalance and power underlies most of the. महिलाओं को लगता है कि पावर किसके पास है, इस बात का बड़ा असर पड़ता है। वो कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, वो इसे कैसे समझते हैं और कैसे शेयर करते हैं। इसमें इस क्षेत्र में पावर का बड़ा रोल है कि पावर किसके पास है, उसके पास वो पावर क्यों है और वो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं।
जेंडर रिलेशन के मामले में भी इसकी बड़ी अहमियत है। सभी स्तरों पर पावर की बड़ी अहमियत होती है। इस पावर का किस तरह इस्तेमाल होता है और ये कैसे महसूस की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत है? मुझे लगता है कि कुछ कहने की ताकत के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। साइंटिफिक कम्युनिटी में ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये संगठन पर निर्भर करता है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मुझे एक बार कहा गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरह से हायर करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन दो लोगों को हायर करते हैं, तब तक उन्हें जॉब नहीं दिया जाता और ये माना जाता है कि वो दोनों आपस में कम्पीट करेंगे और फिर 6 साल के बाद जब उनमें जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब तक उन्हें भविष्य के बारे में पता नहीं होता। ये माहौल ठीक नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन को ये सोचना चाहिए कि या तो वो दो लोगों को हायर ना करें या फिर इसके लिए एलोकेशन रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाए। तो हम इन बाधाओं को कैसे पार करें? एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसे संस्थान बनाएं जहां उन्हें ये महसूस ना हो कि वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। लोग आपस में बातचीत करें पर ऐसा ना हो कि वो आपस में मुकाबला करने लगें। उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा काफी होता है। लेकिन अच्छी मिसालें भी बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम प्रोग्राम के अंत में आ चुके हैं। अगर आप अब क्या आप हमें कोई आखिरी सलाह देनी चाहेंगी? मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि हम कैटलिस्ट ऑफ चेंज वाले बहुत खास तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि हमें ये काम करने की का सौभाग्य मिला। हमें लीडर बनने के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल होने की जरूरत है। तो हिम्मत मत हारिए, लेकिन उन बाधाओं से उन चुनौतियों से जूझिए जो आपको रोके हुए हैं, तभी परिवर्तन पैदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ब्रैम गवर्ट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट डेटा दिया जो साइंस के क्षेत्र में महिलाओं को सामना करना पड़ता है। जिसका आपने बताया कि आप कैसे एक अच्छी लीडर और एक अच्छी माँ साबित बनने की कोशिश करती रही हैं। हम सभी ऑडियंस का भी स्वागत करते हैं। आइए इस साल जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज आए हैं उनके बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि ये मानव इतिहास का एक ऐसा पल है, बारूदी सुरंगों को हटाने का और एक ग्रेट पाइन लगाने का, जीवन देने वाला कोई पेड़ जो शांति से जुड़ा कदम है। अगर कोई लैंडमाइन हटाई जाती है और कोई फल वाला पेड़ लगाया जाता है तो इससे भविष्य की पीढ़ियों का पेट भरेगा। कोई पेड़ लगाने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है जो हमारी धरती के फेफड़ों में फिर से जान डालेगा जो हम सबकी है। लोग खेती किसानी इसलिए नहीं करना चाहते कि वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वो ये काम इसलिए करते हैं
कि उन्हें आहार पैदा करने का काम अच्छा लगता है, तो आप चाहे कॉर्न से कॉर्न सिरप बने या फिर वो उस हायरलूम टोमेटो को पैदा करें जो फार्मर्स मार्केट में मिलता है, असल में ये किसानों का प्यार है जो आप तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड फूड प्राइज के संस्थापक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था, इस दुनिया में पैदा होने वाले सभी लोगों का मौलिक अधिकार है खाना, तो हमें उनके शब्दों को हकीकत में बदलना है। अब ग्राहक ये समझने लगे हैं कि उनकी खुराक में क्या कुछ इस्तेमाल होता है, और अब वो ज्यादा सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स की मांग करने लगे हैं। बेशक हम हैमबर्गर तो वही होगा, पर उसमें ऐसे मवेशी का मांस इस्तेमाल होगा जो कम मीथेन छोड़ रहे हैं और जलवायु बदलाव के लिए कम जिम्मेदार है। ये वही टॉर्टिया हो सकता है, पर यह बना होगा ऐसी मक्का से जो सूखे का ज्यादा सामना कर सकती है, और किसान इसे उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब काफी कंपनियां ये समझने लगी हैं कि कंज्यूमर्स को ज्यादा सस्टेनेबल फूड चाहिए, और कंपनीज कमिटमेंट कर भी रही हैं। उनका कहना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो हम जरूर डिलीवर करेंगे। अब बस कंपनियां इसका रास्ता ढूंढ रही हैं। महिलाओं को कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनाने के लिए जरूरी है कि अलग अलग आवाजों अनुभवों को हाईलाइट किया जाए, उन्हें मौके और मेंटोरशिप मुहैया कराए जाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए इंडिविजुअल यूनिकनेस और अनेकी क्वालिटीज के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप की जाए, हम साथ मिलकर महिलाओं सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे हम सभी के लिए ज्यादा समावेशी भविष्य बन पाएगा। अगर हम अपने संस्थानों और प्रोग्राम्स में महिलाओं के लिए बाधाएं खड़ी करते रहेंगे, तो हम छोटी जोत वाली महिला किसानों की बाधाएं कैसे दूर करेंगे? डॉक्टर बोरलॉग का संदेश था टेक इट टू द फार्मर, और ये आंखें खोल देने वाला था, पर अब ये साफ होता जा रहा है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें वो आवाजें सुननी होंगी जो आज तक नहीं सुनी गई। आवाजें महिलाओं की भी हैं, और उन्हें सुनने के लिए हमें क्रॉप्स में सुधार और सोशल साइंसेज लैब बेंच और विलेज बेंच के बीच की खाई को भरना होगा। हमें अपने अंदर झांक कर अपने आप से सवाल पूछने होंगे, और जेंडर से जुड़ी इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स की पहचान करनी होगी, जिसका असर हमारे काम और हमारे द्वारा सर्व की जाने वाली आबादी पर पड़ता है। कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज में हमारे अगले सेमिनार को देखना न भूलिएगा।